माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी व शांतिदायक है। माता चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि नवरात्र के तीसरे दिन जगह जगह माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। ऐसे में काशी में भी शक्ति की आराधना हुई। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुख शांति एवं समृद्धि के प्रतीक माँ चंद्रघंटा स्वर्ण के समान रूप में अपने दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र तथा घंटा घड़ियाल के साथ यहाँ विराजित है। माँ को लाल रंग पसंद है। इनको प्रसाद के रूप में गुड़हल का फूल तथा मेवा से बना खीर पसंद है। माँ चंद्रघंटा देवी माता पार्वती की विवाहित रूप में विराजित हैं तथा भगवान भोलेनाथ से विवाह के बाद माता चंद्रघंटा अपने सर के ऊपर अर्ध निर्मित चंद्र से श्रृंगार करने लगी, तभी से इनका नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति एवं समृद्धि प्रदान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय व अनुशासन स्थापित करती हैं। देखिए, आज चंद्रघंटा देवी का दर्शन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। भगवती चंद्रघंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता यह है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब व्यक्ति का अंतिम समय रहता है, तो माता चंद्रघंटा उनके कंठ में विराजकर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। और नवरात्र के तीसरे दिन आज भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं, माता को नारियल, प्रसाद, चुंदरी इत्यादि अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है, चंद्रघंटा माई सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।